हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के गोलू ढोलू के चैनल में। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके सब अपने भी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं हमेशा की तरह कहने वाली हूँ गाइस, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए गाइस, क्योंकि ताकि सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो आज का वीडियो जो है गाइस, आपने देख ही रहा होगा कि यहाँ पर कंडीशनर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के कंडीशनर दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंडीशनर क्या होते हैं और हमें क्यों यूज करना चाहिए। कंडीशनर हमारे बालों को जो है वो सॉफ्ट एंड सिल्की बनाते हैं। जब हम शैम्पू करते हैं गाइस, तो जब शैम्पू करने के बाद हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसकी जो है वो मॉइस्चराइजर वो छिन सा जाता है, एकदम रूखे रूखे से बेजान से दिखाई देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए गाइस। जब हम अपने बालों को कंडीशनर लगाते हैं शैम्पू करने के बाद, तो हमारे बाल जो वो स्मूथ सिल्की एंड शाइन होते हैं, वो डैमेज कम होते हैं क्योंकि टूटते कम हैं। जब वो सिल्की और शाइन होंगे, उलझेंगे नहीं आपस में, तो जाहिर सी बात है वो आप जब उसे कंघी करोगे कॉम करने के बाद वो कम गिरते हैं, कम टूटते हैं। तो आपको बिल्कुल हर शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल गाइस जरूर करना चाहिए अपने बालों को हेल्थी शाइनिंग एंड ग्लोइंग रखने के लिए। तो बिल्कुल आप जो है इसको कंडीशनर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं, मार्केट में बहुत तरह के कंडीशनर अवेलेबल हैं गाइस, तो मैंने बहुत तरह के कंडीशनर इस्तेमाल भी किए गाइस। मैं हमेशा चेंज करके चीजों को इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। मेरी ओपिनियन है कि मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ अपने प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं लॉरियल की। मैंने पिछली बार इसको मंगाया था, लॉरियल के कंडीशनर, ये कह सकते हो मिनिमम खाली हो चुका है थोड़ा सा ही इसके अंदर, इसे मैं महीने से ऊपर हो गया इस्तेमाल करती हूँ। तो बात करते हैं इनकी पहले पैकेजिंग के बारे में। ये प्लास्टिक की बोतल में आता है लॉरियल का। ये लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग कंडीशनर है, 7% रिपेयरिंग क्रीम के साथ आता है गाइस। ये फाइट 5 साइन डैमेज हेयर के दूर करता है, जैसे कि हेयर फॉल, ड्राइनेस, रफनेस, डलनेस वगैरह। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका जो प्राइस है वो 199 है गाइस। और आप बात करते हैं इसकी, ये भी प्लास्टिक बॉटल में ही आता है। इसके अंदर भी क्रीमी सा क्रीम फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में। ये ट्रेस्मिका यूज बाय प्रोफेशनल एंड इसके अंदर विद विटामिन एच एंड सिल्क प्रोटीन के साथ आता है गाइस। ये इंटेंस मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को। तो अब बात करते हैं इनके रिजल्ट के बारे में, जो मैंने यूज किया है खुद पर और मुझे जैसे दिखाई दिया है इनका रिजल्ट उसके बारे में। तो गाइज, मैंने लॉरियल का जब मंगाया था, तो मैंने लॉरियल का काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ये कह सकते हो खाली हो चुकी है प्रोडक्ट। तो मुझे इसके बालों पे यूज करने के बाद काफी बाल स्मूथ लगते थे, शाइन करते थे मेरे बाल। मेरे बालों की डैमेज जो है नहीं किया है, हेयर फॉल बहुत ना के बराबर हुआ है, शरीर से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया, तो मेरे हेयर फॉल नहीं हुआ ज्यादा इसे यूज करने के बाद। डलनेस भी मेरे बालों की दूर हुई है, रफनेस भी दूर हुई है, शाइन करता है, तो मुझे अच्छा लगा ये, ऐसा कह सकते हो ये अच्छा कंडीशनर है। और क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक है, प्राइस आपके पॉकेट फ्रेंडली है, ये कंडीशनर कोई ऐसा महंगा नहीं है और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया है कि कोई डलनेस और बालों को गिराया नहीं इसने, मेरे रफनेस नहीं की है। आपके बाल को दोगे तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन आपके बाल स्मूथ रहने वाले हैं, शाइन करेंगे एंड अच्छे लगेगा आपको यूज करने के बाद, ये अच्छा लगेगा। मुझे इसका पर्सनली रिव्यू अच्छा लगा रिजल्ट। क्रीम का फॉर्म है इसका, क्रीमी फॉर्म में आता है। आप हेयर वॉश करने के बाद 5 मिनट अपने बालों में एटलीस्ट रखिए, 5 तो खैर लेट जाता है, 3 मिनट तक तो एटलीस्ट रखिए इसको, उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए, आपके बाद शाइन करेंगे बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस, ट्रेस्मी यूज बाय प्रोफेशनल, तो मैंने इसको भी यूज किया। इसके बाद मैंने इसको यूज किया था, मैं इसको 1 मंथ से ऊपर हो गया यूज करते हो गाइस, लेकिन जितनी तारीफ मैं इसकी करती, अगर ये अच्छा होता गाइस, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इसने मुझे बालों को डैमेज तो नहीं किया, कोई हेयर फॉल भी ज्यादा नहीं बढ़ाया गाइस, बट हाँ इसका स्मूथ उतना बालों को नहीं किया, ये बहुत ज्यादा स्मूथ बालों को क्या शाइन करा, सिल्की करा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सॉफ्ट जो नॉर्मल कंडीशनर होता है ऐसे ही वर्क किया, कुछ हाई फाई ऐसा वर्क सा नहीं किया मेरे बालों पे, तो मुझे उतना इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा गाइस। पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया, इसके मुताबिक मुझे ये ज्यादा सही लगा लॉरियल का। ये आपको बालों को ज्यादा शाइन सिल्की स्मूथ बनाता है, बट ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये भी क्रीम फॉर्म में ही आता है, बट उसका रिजल्ट मुझे उतना नहीं लगा जितना प्रोफेशनल बाई तारीफ सुनी थी मैंने इसकी, उतना अच्छा मुझे खुद पे रिजल्ट नहीं लगा। हाँ, इसमें कोई डैमेज नहीं करा, कोई साइड इफेक्ट बालों को नहीं लगा मुझे, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिराए नहीं इसने, नॉर्मल जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। और ये इससे वॉश करती हूँ तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही दिन तक आपके बाल जो है वो सॉफ्ट रहते हैं, उसके बाद दूसरे दिन ही वो नॉर्मल वे में आते हैं, थोड़े से रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, कुछ ऐसे सिल्की से नहीं रहते, 2-3 दिन तक नहीं रहते। इसका फायदा मुझे इतना नहीं लगा और शाइन भी मुझे बहुत ज्यादा बालों में नहीं लगी कि अलग से कुछ शाइन कर रहा है। हाँ, ये इसके मुताबिक मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप कोई अच्छा सा कंडीशनर ढूंढ रहे हो गाइस, ट्रेस्मी और लॉरियल में अगर कंफ्यूज हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लॉरियल वाला यूज कर लीजिए।
ये बजट के अकॉर्डिंग भी अच्छा है और आपके बालों को सिल्की शाइनिंग बनाता है गाइस, तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो। अगर मेरा आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो गाइस तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आपको किसी चीज का भी रिव्यू चाहिए हो गाइस तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका रिव्यू आपका लेकर आऊंगी, ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊंगी। एंड पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ मैं गाइस, फिर ही आपको बताऊंगी कि हाँ कैसा इसका रिजल्ट आया है। तो बिल्कुल आप इसको मंगाइए, यूज कीजिए, अच्छा है। कंडीशनर दोनों बुरे नहीं है बट इसका रिजल्ट मुझे इसके मुताबिक ज्यादा अच्छा लगा, बस मैंने ये कहा ये इसके मुताबिक ज्यादा अच्छा, अच्छे दोनों हैं बट इसका ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइज, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइज। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और किसी भी चीज का आपको रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं फौरन लेकर इसका रिव्यू आऊंगी, ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।